श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का परीक्षण किया और उन्हें दवा वितरित की। साथ ही लोगों के नाक, कान, गला आदि का भी परीक्षण किया गया। ये शिविर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मसूरी ने आयोजित किया था, जिसमें व्यापार मंडल नगर पालिका परिषद मसूरी ने भी सहयोग किया। इस शिविर में दूर दराज से आए हुए लोगों का परीक्षण किया गया। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज विश्वास ने बताया कि यहाँ पर अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर लोग इलाज के लिए आए थे। लोगों को मुफ्त में दवाएं दी गई। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी पेशाब के रास्ते का इलाज करता है, ठीक है। मेरी जो वाइफ है वो डॉक्टर रिक्ता हैं, वो नाक कान गले के डॉक्टर हैं। ये कैंप बेसिकली नाक कान गले के मरीजों के लिए किया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा आसपास मरीज थे जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मोटा मोटा। और उसमें कान के जैसे पर्दे में छेद होता है, कान से पानी बह रहा है, नाक से जिनका खून निकलता है, वो सब मरीज का इलाज कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सब। यही बात हुई थी शुरुआत में कि क्योंकि यहाँ पे सब गरीब मरीज हैं, तो उन लोगों को ये कहा गया कि अगर वहाँ पे नीचे आते हैं इलाज कराने के लिए तो 50-60% के आसपास तक इनको डिस्काउंट दिया जाएगा इलाज में। तो ये तो उनसे मतलब ये यहाँ पे इसी बात पे ही कैंप स्टार्ट किया गया था, जिससे मरीजों को भला हो सके, जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, गरीब मरीज। वहीं इस अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मसूरी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जो कार्य जन प्रतिनिधियों और समाज सेवा करने वाले लोगों को करना चाहिए वो पत्रकार कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, ऐसे में कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। श्रमजीवी यूनियन के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत नेगी ने कहा कि पत्रकारिता के साथ समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है और लोगों की सेवाएं की जा रही हैं, जो सराहनीय कार्य है। आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा एक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया, लगाया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ जो शहर के विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं, और साथ ही हमारे साथ में यहाँ देहरादून से विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं हमें दी हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी यहां पर जो बच्चे हैं, खास करके बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो मनोचिकित्सक थे उनके द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनको दवाइयां वितरित की गई हैं। तो अब तक लगभग 150 से अधिक लोगों का आज यहाँ पर परीक्षण किया गया है, उन्हें दवाएँ भी दी गई हैं। और साथ ही जो जिनको जो अधिक बीमारी है उनको देहरादून अगर वो जाते हैं तो उनको वहाँ 60% की छूट दी जाएगी। जो हमारे साथ जो डॉक्टर आए हैं उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा 60% की छूट दी जाएगी। और भविष्य में भी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन लगातार ऐसे समाज सेवा के कार्य करती रहेगी। जो काम हमारे नेताओं को करना चाहिए, जो काम हमारे समाज सेवियों को करना चाहिए, आज वो काम पत्रकार कर रहे हैं। तो ये पत्रकार एक समाज का आईना भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने निजी संसाधनों से ये सारे काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सबक लेकर हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, वो भी इस प्रकार का काम करेंगे, ताकि भविष्य में जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको ऐसी सुविधाएं मिल सके। पत्रकारों का लेखने के साथ साथ एक और काम भी नई श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने शुरू किया है कि लोगों की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और उसी कड़ी में हम मेडिकल कैंप होता है या रक्तदान शिविर होता है, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं, और ये भी जन सहभागिता से होता है। और इसमें सभी पत्रकार के साथ साथ समाज से जुड़े हुए लोग, चाहे वो व्यापार संघ के हों, चाहे वो ट्रेडर्स यूनियन के हों, चाहे वो और समाज के लोग जुड़े हों, सरकारी कर्मचारी हों, ये सब लोग जुड़कर पत्रकारों के साथ ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। देखिए, बड़ी आस्पद सी बात है कि देश में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को माना गया है, लेकिन चौथे स्तंभ की स्थिति क्या है ये हम सब लोगों से कोई छुपा नहीं है। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार, हम सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जब जब पत्रकारों की बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगेगा, देश चाहे भले ही कितने आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए पीछे होता है, क्योंकि जब तक आपको दम अपनी कमी सुनने का नहीं है तब तक आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं ला सकते। तो हमेशा चौथे स्तंभ को इसलिए आगे रखा गया कि कम से कम सरकार की या जो भी विभाग होता है उसकी कमियां सरकार तक या शासन तक पहुंचे और उस पर अमल किया जाए, उसे ठीक किया जाए, यही पत्रकारिता का धर्म है और ये पत्रकार निभाते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।